25 के 25 एमपी या राजस्थान में पानी का संकट है, और गहलोत साहब अभी कह रहे हैं कि बादल साहब के वहाँ भगवंत मान जी के मैं जाके आया हूँ पानी के लिए कह के आया हूँ। तो ये आज उमड़ा जन सैलाब जो है लोगों का स्नेह गहलोत साहब की जो योजनाएं, जो कांग्रेस पार्टी की नीति और नीयत को दर्शाता है, कांग्रेस पार्टी की योजनाएं, बीजेपी वाले मुद्दे बरगलाते हैं, बीजेपी वाले लोगों को भटकाकर, और बीजेपी वाले बात करेंगे जयपुर की जोधपुर चले जाएंगे, बात करेंगे नौर की वो बाधरा चले जाएंगे। तो बीजेपी गुमराह करके लोगों को भटकाना चाहती है। कोई चिकित्सा के बगैर ना रहे, हर घर चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध करा रहे, 25 लाख तक दवाइयां फ्री, 10 लाख का बीमा दे रहे हैं, बहुत ही योजनाएं कि हम गिना नहीं सकते इन योजनाओं को, और बीजेपी इसका विरोध कर रही है, उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है जीतने के लिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हनुमानगढ़ के रावसर में पहुंचे, जहां उन्होंने महंगाई से राहत कैंप शिविर का अवलोकन किया और उन्होंने लोगों की बातें सुनी। उन्होंने कहा कि मेरा काम सिर्फ सेवा करना है। यहाँ पर जनसभा के अंदर काफ़ी लोग उम्र से बात करते हैं। हाँ जी, किस तरह का संदेश दिया है और अवलोकन में क्या निकल कर आया? आज सीएम साहब ने पूरी जनता का जो उमड़ा सैलाब यहाँ पे, ये दिखा रहा है कि सीएम साहब ने जो भी काम किया सत्ता के लिए, जनता के लिए, वो 100 की सुई तक पहुँच गया, आम आदमी के लिए किया है। और विपक्ष को भी एक संदेश दिया है, बीजेपी के लोगों को ये संदेश दिया है कि चलो मेरे को रावण कह दो, आप राम बन के देखें। सिंचाई योजना जो है, यहाँ के 25 एमपी हैं, एक भी एमपी केंद्र गवर्नमेंट में नहीं बोलता राजस्थान के पानी के लिए। तो ये बड़ी शर्म की बात है कि 25 के 25 एमपी या राजस्थान में पानी का संकट है, और गहलोत साहब अभी कह रहे हैं कि बादल साहब के वहाँ भगवंत मान जी के मैं जाके आया हूँ पानी के लिए कह के आया हूँ। तो ये आज उमड़ा जन सैलाब जो है लोगों का स्नेह गहलोत साहब की जो योजनाएं, जो कांग्रेस पार्टी की नीति और नीयत को दर्शाता है, इसे ये लगता है कि लोगों में बहुत जोश है और जो इनकी योजनाएं हैं वो बहुत ही लाभकारी है। और ये कैंप जो है वो राहत देने के लिए, क्योंकि वार्ड के अंदर ही, आपके वार्ड के अंदर, आपकी पंचायत के अंदर सरकार आपके द्वार पर आ रही है। ई मित्र पे जाता है 2 किलोमीटर लगते हैं, 3-4 आदमी बैठे होते हैं, एक योजना के 150 रुपये ई मित्र वाला ले लेता है। यहाँ 4-4, 5-5 योजना आप रजिस्ट्रेशन कराए, फ्री के अंदर आपकी सुविधा होगी, आम आदमी को उसका फायदा मिलेगा। भाजपा आरोप लगा रही है कि ये सिर्फ दिखावे के लिए, या अब चुनाव आ रहे हैं उसके चलते ये आयोजन किए जा रहे हैं, लोगों को कोई राहत नहीं मिल रही है। केंद्र सरकार ने जिस तरह से पेट्रोल और डीजल का वेट कम किया था, लेकिन गहलोत चाहते तो लोगों को राहत दे सकते थे, वेट और कम कर सकते थे। बिल्कुल बिल्कुल, वेट कम किया है सीएम साहब ने भी, इसका राजस्थान सरकार ने वेट कम किया, परंतु ये केंद्र सरकार की योजना जो राजस्थान सरकार पे थोप देते हैं। आज भाजपा वाले इसलिए विरोध कर रहे हैं, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। आक्रोश यात्रा वो किस चीज़ की निकाले, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, वो जनता के बीच में कभी गए नहीं, 4 साल तक गए नहीं, अब चुनाव आगे लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। राहत कैंप जो लगे हुए हैं आज वार्ड के अंदर, आज सरकार आ रही है आपके घर पे, सरकार आ रही है। ई मित्र पे जाता है आदमी 2 किलोमीटर दूर तक जाता है, एक योजना के 150 रुपये ले लेता है, 4-4, 5-5 योजना का फायदा मिला है एक आम आदमी को। तो ये राहत कैंप है, इससे घबराई हुई बीजेपी है, क्योंकि बीजेपी के पास कहने को कुछ भी नहीं है, करने को कुछ भी नहीं है, मुद्दे भटकाने की कोशिश है। अब गहलोत साहब को रावण कह दिया, वो कहते मैं रावण मंजूर है मुझे देश की प्रदेश की जनता के लिए, मुझे भीख मांगनी पड़े तो मैं दिल्ली के गली गली में कटोरा मांगूंगा। अकाल रात के अंदर लोगों को भूखा नहीं मरने दिया, किसी पशु को अकाल के अंदर उसके अंदर मौत नहीं हुई। तो ये सीएम साहब की योजनाएं हैं, कांग्रेस पार्टी की योजनाएं हैं, बीजेपी वाले मुद्दे बरगलाते हैं, बीजेपी वाले लोगों को भटकाकर, और बीजेपी वाले बात करेंगे जयपुर की जोधपुर चले जाएंगे, बात करेंगे नौर की वो बाधरा चले जाएंगे। तो बीजेपी गुमराह करके लोगों को भटकाना चाहती है, और ये कैंप राहत का कैंप है ये, और इसके आम आदमी को फायदा मिला, लोगों की भीड़ उमड़ रही है, इसके अंदर फायदा हो रहा है। धन्यवाद। आप क्या मानते हैं इस कैंप से लोगों को कितनी राहत मिल रही है और कांग्रेस को कितनी राहत मिलेगी? बिल्कुल राहत मिलेगी, लोगों को भी राहत मिल रही है इससे कि प्रशासन लोगों के घर आ रहा है। पहले लोगों को अपने काम कराने के लिए ई मित्र पर जाना पड़ता था, दूर 50-100 रुपये खर्च करने पड़ते थे। आज हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री की देन से हर वार्ड में, हर गली में कैंप लगाकर लोगों को राहत दी जा रही है, पशु बीमा दिया जा रहा है, पेंशन योजनाओं को वृद्ध माता बहनों को लाभ दिया जा रहा है, आम बीपीएल परिवार उनको गैस सिलेंडर की सुविधा 500 रुपये में दिए जा रहे हैं, और राशन किट दी जा रही है। हर योजना सरकार, हमारे मुख्यमंत्री चाहते हैं कोई आदमी भूखा न सोए, कोई चिकित्सा के बगैर ना रहे, हर घर चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध करा रहे, 25 लाख तक दवाइयां फ्री, 10 लाख का बीमा दे रहे हैं, बहुत ही योजनाएं कि हम गिना नहीं सकते इन योजनाओं को, और बीजेपी इसका विरोध कर रही है, उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है जीतने के लिए। अब आज वो कर रही है, हमने ये वोट के लिए कर रहे हैं, गहलोत साहब ने तो ये योजना पहले चालू कर रही थी कि अब इसको पूरी तरह से कोई वंचित न रह जाए, भी कोई वार्ड का आदमी, कोई राजस्थान प्रदेश का आदमी इस योजना से वंचित न रह जाए। धन्यवाद। आप क्या मानते हैं गहलोत साहब ने क्या आज संदेश दिया है और आगे क्या रहेगा, कांग्रेस को कितना फायदा मिलेगा?
गहलोत साहब ने शानदार संदेश दिया है जनहित के लिए, गरीब को गणेश मानते हुए अंतिम छोर का व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने के लिए अशोक जी गहलोत ने इतना लाभ दिया है कि पूरी प्रदेश की जनता आज अपने आप को बहुत खुश महसूस कर रही है। मगर भाजपा सरकार की कमर तोड़ महंगाई इस कदर बढ़ गई है राजस्थान के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर बढ़ाई थी, मगर राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने अपने किसानों के, युवाओं के और बेरोजगार लोगों के लिए शानदार योजना महंगाई राहत शिविर का आयोजन किया है, जिसके अंदर आज आमजन इस शिविर के अंदर लाभ उठा रहा है। और आज देखें तो बिजली का बिल बहुत करोड़ों लोगों को मतलब जीरो का शून्य का बिल आ रहा है, और राशन की किट की बात करें मगर स्वास्थ्य की बात करें, आज पहले गरीब आदमी अपने इलाज कराने के लिए दर दर भटका था और पैसे के अभाव में वो मतलब दम तोड़ता था, आज उनको सरकार ने 35 लाख का स्वास्थ्य बीमा दिया है। अगर किसी कारणवश किसी आदमी की अगर दुर्घटना मृत्यु हो जाती है तो उनको परिवार को राजस्थान सरकार ने 10 लाख का दुर्घटना बीमा। अब मगर इसके साथ साथ पशुओं का किसी को क्या वोट लेने हैं, इस राजस्थान सरकार ने अशोक जी गहलोत ने पशुओं के लिए मगर ये बीमा किया है और उनको लिए राहत प्रदान किया है, उनके लिए निःशुल्क दवाइयाँ भी दी है। और आज हॉस्पिटलों में देखो या आम जन देखो पूरे राजस्थान की जनता अशोक जी गहलोत की सरकार की योजनाओं का तारीफ कर रही है, उनको स्कीमों की फ़ायदा उठा रही है। कितना फ़ायदा मिलेगा कांग्रेस को आने वाले चुनाव में? ये आज आप सब ने देखा कि रावतसर की जनसभा में जो जन सैलाब उमड़ा है, ये कांग्रेस को सिर्फ फायदे की बात नहीं है, इसने साबित कर दिया है कि राजस्थान में माननीय मुख्यमंत्री जी ने सामाजिक सुरक्षा की जो योजनाएं हैं उनका इतना एक मजबूत ढांचा खड़ा किया है कि आम आदमी का आत्मविश्वास बढ़ा है, आम आदमी का डर खत्म हुआ है। सरकार की ऐसी कल्याणकारी योजनाएं हैं जिनसे आम आदमी मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है, समाज की मुख्य धारा में आ रहा है, और यही आत्मविश्वास राजस्थान को मजबूत बनाएगा, सशक्त बनाएगा और राजस्थान में एक नया इतिहास बनेगा, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी। आप इस कैंप में आए थे, क्या पंजीकरण हुआ, आपको क्या फ़ायदा मिला है? फायदा सब प्रकार का मिला है, पर मैं तो किसान हूँ जी, और मैं नहरा के बाबत है कि अपन दिए आ नहरी सिंचाई व्यवस्था नष्ट होने लग रही है, और सेंट्रल सरकार तो बस समझो है जैसे ही है, राज्य सरकार भी चलने नहीं देती, गेहूँ सरसों खरीदी नहीं जा रही है, पर मैं इसलिए आया हूँ कि नहर प्रणाली में जल संसाधन विभाग के साथ साथ एक अध्यक्ष प्रथा लगा रखी है सन 2002 से, तो वो इतनी गंदी व्यवस्था है, उन अध्यक्षों की न कोई जिम्मेवारी है न कोई पारदर्शिता है, एक सूचना के अधिकार में देते हैं भी एक वाटरमैन रखते हैं उसके थे 4,80,000 का एक अध्यक्ष ने 9 साल का एस्टिमेट दिए और कुछ नहीं करते। अगर मेरी बारी बिना मर्जी काट दी तो नहरी विभाग कुछ नहीं कर सकता, तो मैं इसकी परेशानी आ रही है, परेशानी है जी, अध्यक्ष होने के बाद क्या बताएं, चेंज करवाना चाहते हैं, ज्ञापन दिया है 23 मार्च को 11-11 विधायकों ने भी दिया था मुख्यमंत्री के नाम लेटर, पर वो 25 तारीख को दूसरे जो खिलाफ पार्टी के विधायक थे उन्होंने तो लिखना शुरू हो गया कि जी बहुत काम हो रहा है, जो नहरों की दुर्दशा है जी, और नहर की फोटो तो मेरे पास है नहीं, मेरे नहर अट्टी पड़ी है झाड़ियों, नहर की जो व्यवस्था है उसको दुरुस्त करवाने के लिए ज्ञापन देने आए थे आज, अब मांग है कि ये व्यवस्था को चेंज किया जाए, आपका क्या कहना, क्या कहना? 16 नंबर वार्ड में आज तक पट्टा कौन दिया, एलआईजी सेंटर बोला है, यही जायज मांग है, पट्टा दिया जाए तो पट्टा, आप यहाँ पे आपकी सुनवाई हो रही है कैंप, वही सुनाई क्या हो रही है, क्या एलआईजी सेंटर है ये बोला, ये वो तोड़ियों को नहीं कहे, ये मुख्यमंत्री ने करो, तो काफी समस्या है लोगों के सामने जिस तरह से वार्ड की समस्या हो और भी युवा मौजूद है, आप क्या कहेंगे? नाम केदारनाथ है ये बोल सर, मुख्यमंत्री जी ने स्कूल खोले अंग्रेजी माध्यम के, बहुत बढ़िया काम किया उन्होंने, पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्कूल तो उन्होंने खोल दिए, बच्चों को हमने प्राइवेट स्कूल से हटाकर सरकारी स्कूल में लगा दिए, पर अध्यापक दिए नहीं उन्होंने, एक एक स्कूल में दो दो अध्यापक दिए हैं, यहाँ रावसर में 5 स्कूल खोले हैं, हमारे MP साहब पूर्व MP साहब बरदराम जी कहते हैं कि मैंने 5 स्कूल खुलवाए, मैंने कहा 5 स्कूल तो खुलवा दिया आपने पर अध्यापक तो नहीं दिए, बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है सर इस वजह से, अगर वो 5 स्कूल नहीं खुलवाते ना तो हम बच्चों को नहीं हटवाते प्राइवेट स्कूल से, वहाँ से हटाके हमने सरकारी स्कूल में लगा दिए, अब बच्चों को जो कहते हैं ना कि कोरोना काल में पढ़ाई वैसी तो उन पीछे थी, वो अब वो एकदम पीछे हो गए हैं सर। तो अब क्या लगता है जिस तरह से आज अशोक गहलोत जी ने जो बड़ी बड़ी बातें कही है या वादे किए हैं पूरे होंगे या क्या सरकार वापस? सर देखो चुनावी घोषणा है उसके लिए मैं कह नहीं सकता, मैं तो ये कहता हूँ कि सब अपन अपनी सोचते हैं, पर बच्चों का भविष्य अगर खराब हो गया सर उसका कोई समाधान नहीं है। शिविरों में कोई लाभ मिल रहा है लोगों को? देखो सर अभी तो लगे हैं, जो घोषणा की है
जो राशि वगैरह वो तो देखो मिलेंगी, सिलेंडर वगैरह है या बिलों में वो तो कम आ ही रहा है, उसका तो फायदा मिल रहा है। तो यहाँ लोगों की अपनी अपनी समस्या है, लेकिन जिस तरह से अशोक गहलोत ने आज मंच के माध्यम से कहा है कि गजेंद्र सिंह शेखावत ने उन्हें जो रावण कहा है उन्हें रावण भी मंजूर, लेकिन जो सोसाइटी के रुपए उन्होंने खाए हैं वो गरीबों को अगर वापस दे देंगे तो मैं उनके लिए बहुत तहदिल से आभारी रहूँगा, और मैं मेरे भले ही कितने पत्थर मारो या मेरे लिए कुछ अपशब्द कहो, लेकिन मैं गरीबों के साथ हूँ और गरीबों के लिए मकान बनाने का काम करूँगा। हालांकि आज रावसर के अंदर जो भीड़ है काफ़ी उमड़ी है, अशोक गहलोत सुनने को आतुर थे लोग, काफ़ी लंबे समय तक इंतजार भी किया था, और अब यहाँ पर उन्होंने घोषणा भी की है कि जिस तरह से अब उन्होंने योजनाएँ चलाई है, पशुओं के लिए हो आमजन के लिए हो, योजनाएँ काफ़ी चलाई है लोगों के, गरीब लोगों के भी साथ है, लेकिन ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि जिस तरह से अब राजस्थान में चुनाव होंगे उसके बाद में लोगों का रुख क्या रहता है और जो परिणाम आता है वो किस ओर करवट लेता है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ गुलाम नबी, राजस्थान तक, हनुमानगढ़।